को कवर किया था उसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। हमने बात करी थी परचेजेस पर, हमको परचेजेस में दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला परचेजेस एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड परचेजेस नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सी अगेन, हमने जो माल खरीदा था उसके ऊपर हमने क्या पे किया, वैट। ये वैट पेड को माइनस करते हैं, ये वैट पेड को माइनस करना मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमने कोई भी अगर माल बेचना चालू किया तो माल खरीदा होगा, परचेज के ऊपर जो मैंने वैट का पेमेंट किया है इसी वैट के पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुद्दा ये है कि अपने को अब ऐसी परचेजेस के ऊपर बात करनी है जिसके ऊपर एलिजिबिलिटी है काई की आईटीसी की, और ऐसी परचेजेस देखनी है जिसके ऊपर एलिजिबिलिटी नहीं है काई की आईटीसी की। ठीक, अब ऐसी कौन कौन सी परचेज होंगी जिनके ऊपर आईटीसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार ऐसी परचेज, कैसी ऐसी परचेज, ऐसी परचेज जो आपको किस चीज में हेल्प करे, ड्यूटीएबल टैक्सेबल सेल्स करने के हेल्प करे, वो वाली परचेजेस पे क्या होगा, आईटीसी अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, हम रिटेलर हैं। अब एज अ रिटेलर मैंने कैडबरी सिल्क कंपनी से खरीदी या होलसेलर से खरीदी, होलसेलर से खरीदी तो मैंने होलसेलर को क्या दिया होगा, वैट। ये वैट क्यों दिया, क्योंकि ये जो कैडबरी सिल्क थी ये क्या थी, टैक्सेबल थी। जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो कस्टमर से क्या कलेक्ट करूंगा, वैट। मतलब क्या ये परचेज फ्रॉम द होलसेलर इज इट एलिजिबल फॉर आईटीसी, यस। मतलब सबसे पहली चीज, आपकी कौन सी परचेज आईटीसी के लिए एलिजिबल होगी, ऐसी परचेज। कैसी ऐसी परचेज, ऐसी परचेज जो आपने किसके लिए ली है, फॉर टैक्सेबल सेल्स के लिए लिए। अभी अपन ने एक पॉइंट पहले पढ़ा था कि एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो लॉजिकल है कौन सी सेल्स के लिए मिलता है, टैक्सेबल सेल्स। क्लियर। दूसरा, मुझे एक बात बताना, अगर मैं कैडबरी की फैक्ट्री चला रहा हूं तो अगर मैं कैडबरी चॉकलेट बनाने की इच्छा में हूं तो सिर्फ चॉकलेट दो चीजों से बन रहा है, अपने ने अभी कॉन्सेप्ट लगाया था कोको पाउडर और शुगर। कोको पाउडर और शुगर के बाद मैंने वो प्रोडक्ट तो बना दिया, खुला बिकेगा या पैक करके बेचना पड़ेगा। तुम कुछ सोचो कि एक सिर्फ सिचुएशन को इमेजिन करो, कैडबरी का शोरूम है, उस शोरूम में जैसे अपन जाते हैं ना, अपन किसी भी पुराने हलवाई की दुकान पे जाओ तो वहां पे लड्डू ऐसे ऊपर ऊपर पड़े रहते हैं। पहले अगर आपको लड्डू चाहिए तो पहले वो हलवाई क्या करता है, मक्खियों को भगाता है फिर लड्डू देता है। थिंक अबाउट इट, कैडबरी चॉकलेट ऐसे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर भरपूर मक्खियां घूम रही हैं, और वो मक्खियां घूमने के बाद तुम उसको ले रहे हो, क्या परचेस करोगे? ये कैडबरी को भी मालूम है कि तुम इसे परचेस नहीं करोगे, कैसे करोगे, पैक करेंगे। हम बचपन से जब से कैडबरी खा रहे हैं, कैडबरी एक गोल्डन फॉइल में आता है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये गोल्डन फॉइल पैकिंग मटेरियल है किसके लिए, कैडबरी के लिए। बट ये गोल्डन फॉइल किसी ना किसी के लिए तो फिनिश गुड्स था, मतलब जब मैंने पैकिंग मटेरियल खरीदा था उसने मेरे से क्या कलेक्ट किया होगा, वैट। मतलब मैंने क्या पे किया होगा, वैट। क्वेश्चन ये है, क्या ये जो परचेज हमने किया पैकिंग मटेरियल का, क्या ये एलिजिबल होगा क्या आईटीसी के लिए? तो गवर्नमेंट ने बोला यस। दैट मींस परचेज किया हमने, क्या परचेज किया, पैकिंग मटेरियल, उसके ऊपर अपन ने वैट पे किया, क्या इसका भी क्रेडिट मिलेगा, यस। क्रेडिट मिलेगा मतलब क्या बोल रहे हैं हम, आईटीसी। व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, यस। क्या इसमें डाउट? अच्छा एक बात बताओ, एग्जेम्प्टेड सेल्स करी क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, टैक्सेबल सेल्स करी क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, यस। क्लियर।
अभी हमने दो पॉइंट पहले आपने देखा हो तो अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, सीएसटी कलेक्टेड लेस वैट पेड अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड है, सीएसटी कलेक्टेड माइनस वैट पेड, वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी, दैट इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड. अब ये तो आपने बोला परचेजेस फॉर टैक्सेबल सेल्स, अब ये सेल्स नॉर्मली हम कौन सी सेल्स ले रहे थे? इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट मतलब एमपी का माल कहां बिक रहा है? एमपी में. अगर ये वाले कॉन्सेप्ट को देखूं, परचेज कहां पे करिए, ये वाले कॉन्सेप्ट को देखना, परचेज कहां से करिए, एमपी से या एमपी के बाहर से? परचेज कहां से करिए, एमपी से या एमपी के बाहर से? एमपी से, क्योंकि तुमने अगर एमपी से परचेज किया है तो पेमेंट क्या किया है? वैट पे किया है ना. और वैट पे कब करते हो, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट? इंट्रास्टेट. मतलब इस सिचुएशन में अपन ने परचेज कहां से किए? एमपी से. माल कहां बेचा है? बाहर. मतलब यहां पर इन्होंने एक और पॉइंट डाल दिया, एनी परचेज फॉर टैक्सेबल सेल्स आउटसाइड द स्टेट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट? इंटरस्टेट. क्या मैं इंटरस्टेट परचेस कर रहा हूं या इंटरस्टेट सेल कर रहा हूं? इंटरस्टेट सेल कर रहा हूं. उस सेल के लिए जो मैंने परचेस किया, क्या वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए? यस. व्हाई? बिकॉज अगर मैं माल बाहर बेच रहा हूं, माल बाहर बेच रहा हूं, मतलब थर्ड पॉइंट में कवर हो गया, माल बाहर बेच रहा हूं, कलेक्ट यहां पे माल लिया कहां से? एमपी के एमपी से. तो एमपी में मैंने क्या पे किया था? वैट. कलेक्ट क्या किया? सीएसटी. सीएसटी माइनस वैट. अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड. तो अगर अलाउड है तो सीधी सीधी बात है, कॉन्सेप्ट भी लगेगा. तो ये वाली परचेज भी क्या थी? एलिजिबल थी फॉर आईटीसी. क्लियर? मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट सीधा सीधा क्या बोलता है? वैट माइनस वैट. थर्ड पॉइंट सीधा सीधा क्या बोलता है? सीएसटी माइनस वैट. इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? इसमें कोई डाउट? एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. नाम सुना हुआ है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हो. क्या इन्वॉल्व हो? सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस. इन्होंने बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो भी परचेज किया, काई के लिए किया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो भी परचेज किया है, हम वो भी आईटीसी के लिए एलिजिबल मानेंगे. क्लियर? कौन सी परचेस? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कुछ भी परचेस किया है, काहे के लिए परचेस किया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो क्या वो एलिजिबल है क्या? यस. एग्जांपल दूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का? बेस्ट एग्जांपल एक तो जो अपने दिमाग में आना चाहिए, वो आना चाहिए फोटोकॉपी. फोटोकॉपी सर्विस है या सेल्स है? सोचो. दोनों है. फोटोकॉपी जब आप करवा रहे हो तो आपको क्या मिलता है? पेज. पेज के ऊपर क्या होता है? प्रिंट छपा हुआ रहता है. मतलब प्रिंटिंग में क्या आ गया? सर्विस. पेज में क्या आ गया? गुड्स. तो दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस. रेस्टोरेंट जाते हो? क्यों जाते हो? खाना खाने? खुद बनाते हो क्या? सर्विस भी खुद करते हो क्या? नहीं. तो वो क्या हो गई? सर्विस. बट वो तुमको क्या बेच रहा है? खाना बेच रहा है ना. तो वो भी क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज द रीजन आजकल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे ऊपर वैट भी लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है. वैट भी लग रहा है और क्या लग रहा है? सर्विस. बिकॉज दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस दोनों आते हैं. एक और पेमेंट आप करते हो जो आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए, उसका नाम है सर्विस चार्ज. सर्विस चार्ज एक पर्टिकुलर पेमेंट आप करते हो, दैट इज नॉट कंपल्शन टू पे. सर्विस टैक्स यू हैव टू पे. तीन पेमेंट्स करते हो आप बिल के साथ में, वैट, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज. सर्विस टैक्स का पेमेंट करना अनिवार्य है,
वैट का पेमेंट अनिवार्य है, सर्विस चार्ज का पेमेंट इज डिस्क्रिशनरी. सर्विस चार्ज का मतलब होता है इट्स अ कंपल्सरी टिप. ये जनरली अपन होटल में पे करते हैं और दूसरा हम लोग हॉस्पिटल्स में पे करते हैं. हॉस्पिटल में जनरली बिल कितना आता है अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी है तो? थोड़ी बड़ी बीमारी, एकदम बड़ी बीमारी मत चले जाना, कैंसर एड्स पे मत चले जाना, छोटी ऐसे होते ना, थोड़ी बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो 4-5 लाख नॉर्मल बिल है. वो तो अपन क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो अपना बिल कम हो जाता है, बट 4-5 लाख थ्योरी बेसिस पर उसका बिल आता ही आता है. 5 लाख का बिल होता है, वो 5 लाख के बिल में आपसे सर्विस चार्ज भी लेते हैं. सर्विस चार्ज जनरली हॉस्पिटल चार्ज करती है 12%. अपने दिमाग में 12% किसका रेट था? सर्विस टैक्स का. अपन फिर पे कर देते हाँ ये सेम ही होगा, सर्विस चार्ज सर्विस टैक्स, एक वर्ड का ही तो फर्क है, चार्ज टैक्स. अरे होगा यार, होगा कुछ ना कुछ तो होगा. फिर तुम्हें अगर सपोज तो किसी के दिमाग में इस चीज़ के लिए डाउट भी आए कि यार ये तो सर्विस चार्ज है, सर्विस टैक्स नहीं है, मैं इसको पे क्यों करूं, तो तुम अगर सपोज उससे आगे पूछने भी जाओ कि यार ये सर्विस चार्ज क्या है, तो वो तुमको ऐसे जवाब देते तुमको नहीं मालूम. और ऐसे अगर आपको कोई बोल दे तुमको नहीं मालूम, तो ऑटोमेटिकली अपना अंदर ईगो हर्ट हो जाता है, नहीं 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 हाँ सर्विस टैक्स ही है. You want to pay service charge or not? 5 लाख पे 12% कितना होता है? 60,000. 60,000 की तो तुम कंपलसरी टिप भर रहे हो. और जनरली अगर हॉस्पिटल से सही सलामत निकल गए बाहर, तो जो आपके यहाँ पर नर्स काम कर रही हैं, उनको भी पेमेंट दो. वो भी बोलते हैं अरे वाह ठीक हो गए, ठीक हो गए. उनका कहने का लॉजिक ही होता है कि ठीक हो गए, चल भाई. वॉचमैन जो आज तक अपने को कभी भी गाड़ी लगाने में हेल्प नहीं कर रहा था, एकदम से देखा कि यार ये तो वापस जा रहा है, तो बोले सर क्या बात है. तो वो भी क्या मांग रहे, टिप मांग रहे. ऐसे करते करते 10-15 हज़ार तो तुम ऐसे ही निकाल दो. 5 लाख के बिल के ऊपर 70,000 रुपये की तो अपन ने क्या भर दी, टिप भर दी. आदमी फिर बीमार हो जाए, सीधी बात है. अब ये चीज़ आपके ऊपर है, आपको पे करना है या नहीं करना है. आप अगर उसको बोल रहे हो मेरे को नहीं पे करना है, तो वो तुम्हारे ऊपर कंपल्शन नहीं ला सकता है. हाँ फिर एट द एंड ये बोलेगा ये तो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, तो तुम ये जवाब दे सकते हो भैया ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है, क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है? तो आप अगर हमसे कंपलसरी ले रहे हो, तो आप सीधा सीधा उससे लिखवा लिया करो, उसके लेटर हेड पे जिसने लिया है वो, और कितना लिया है वो, और उसके नीचे उसकी साइन करवा दो. फिर बाद में अपन केस वेस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. वो वाजिब केस होगा और वो तुम केस जीतोगे भी, क्योंकि यहां पर सर्विस टैक्स इज कंपल्शन, सर्विस चार्ज इज नॉट कंपल्शन. तो कभी भी सर्विस चार्ज पे कर रहे हो, अब इसका ये मतलब नहीं है अपन कहीं पे भी गए 70 रुपए का बिल आ रहा था, 15 रुपए उसने अपन से सर्विस चार्ज ले लिया, अपन उस पर लड़ लिए, ए चल लिख के दे. वैसा मत कर देना, इतना तो कंपलसरी टिप दे ही देना है यार. मतलब मटेरियलिटी होनी चाहिए, क्लियर. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए होता है? सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस. तो क्या इसमें सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड है? क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड है? तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा. क्लियर है? पक्का? क्यों, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है क्या? तो परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या इसका भी क्रेडिट मिलेगा? यस, प्रोवाइडेड वो कैपिटल गुड्स किस में यूज होनी चाहिए? टैक्सेबल गुड्स में होनी चाहिए. क्लियर है? पक्का? एक बार इसको रीड करें नोट्स में से. परचेज इज एलिजिबल फॉर ITC.
चलो तो ये अपन ने क्या पढ़ा, परचेजेस कौन कौन सी एलिजिबल होती हैं फॉर आईटीसी क्रेडिट। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है दैट इज परचेजेस कौन कौन सी एलिजिबल नहीं होती हैं फॉर आईटीसी। सबसे पहला, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप माल खरीद रहे हो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, ये अपन ने पहले भी बात करी। अनरजिस्टर्ड डीलर से आप खरीदोगे हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, ये पहला पॉइंट। मतलब उस पर अगर मैंने वैट का पेमेंट कर दिया क्या ये गलती है या बेवकूफी है, तो बेवकूफी का बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं। क्लियर। दूसरा, अगर मैंने एमपी के बाहर से माल खरीदा है, हो सकता है एमपी के बाहर से माल खरीदा, तो बताओ मैंने क्या पे किया होगा, और बताओ सीएसटी का क्रेडिट मिलता है या नहीं। अरे जब सीएसटी का क्रेडिट मिलता ही नहीं है तो वो परचेज एलिजिबल थी नहीं ना आईटीसी के लिए। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड डीलर से। दूसरा, इंटर स्टेट परचेस करी है आपने, बट इंटर स्टेट सेल करने के लिए मैंने एमपी से ही माल खरीदा, बताओ उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? यस, बिकॉज वहां पे मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूं, सीएसटी। पेमेंट क्या किया है, वैट चलेगा। वैट कलेक्टेड माइनस सीएसटी नहीं चलेगा, क्योंकि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। इसमें कोई डाउट? ये तो अपन ने कहां से खरीदा था, एमपी के बाहर से। इंडिया के बाहर से खरीद लिया तो कस्टम लगेगा, तो क्या उसका एलिजिबिलिटी आएगी क्या यहां पर? नहीं आएगी। क्लियर। सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, इसमें कोई डाउट? स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा हुआ है कि इसके ऊपर वैट नहीं लगेगा, हाँ तो नहीं लगेगा, सीधी बात। स्टेट गवर्नमेंट ने हम सीधे सीधे बोल दिया कि इसके ऊपर वैट नहीं लगेगा, तो अपन क्यों अपनी नेतागिरी करके वैट लगे? तुम लगा भी दोगे तो क्या उसकी वैलिडिटी है क्या? नहीं, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कितने पॉइंट हो गए, पहला अनरजिस्टर्ड डीलर, दूसरा इंटर स्टेट परचेस, तीसरा इंटर स्टेट परचेस कर लिया, देन अपन ने इम्पोर्ट किया, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि यहां पर हमको क्रेडिट नहीं देना। क्लियर। चौथा पॉइंट, चौथा पांचवा पॉइंट, हमने इनवॉइस लिया ही नहीं परचेस का, हो सकता है? एक मुझे बात बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी? ब्लैक मनी मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, व्हाइट मनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। और अगर ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक मनी जनरेट कहां से होगी, बिल देने से या बिल नहीं देने से? बिल नहीं देने से। तो तुमने इनवॉइस लिया ही नहीं, मतलब जब तुमने परचेस किया इनवॉइस लिया ही नहीं, तो बताओ कैसे पता पड़ेगा कि तुम्हारी व्हाइट है या ब्लैक है? अच्छा चलो, इनवॉइस नहीं है, क्या मानू, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक। तो जब ब्लैक चीजों का हम आपको बोल रहे हैं कि वो ब्लैक है, तो उसका क्रेडिट क्यों देंगे? मतलब ऑन दी परचेज वेयर इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल? इनवॉइस। बताओ क्रेडिट मिलेगा? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियर। इनवॉइस है बट डिफेक्टिव इनवॉइस है। अब व्हाट इज डिफेक्टिव इनवॉइस? टिन नंबर नहीं लिखा था उसमें, एक्चुअली टिन नंबर वर्ड नहीं होता है, टिन होता है, क्योंकि टिन का फुल फॉर्म क्या हुआ, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसमें नंबर लिखा हुआ है। आप टिन नंबर बोलते हैं, इसे बहुत बार ऐसे जनरल बेसिस पे निकल जाता है टिन नंबर, तो अपन उसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर नंबर नहीं, तो वी हैव टू से टिन। अगर सपोज आपके इनवॉइस में टिन नहीं लिखा हुआ है, इनवॉइस वैलिड है या डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव इनवॉइस के ऊपर भी आपको क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इनवॉइस ना होना या इनवॉइस है बट कौन सा है, डिफेक्टिव, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। या फिर इनवॉइस में आपने उसको सेपरेटली शो नहीं किया वैट का अमाउंट। मोबाइल खरीदा कभी? मोबाइल आप जब भी खरीदने जाते हो तो आपको प्राइस बताता है वो डीलर, वो आपको प्राइस जो बताता है फाइनल प्राइस बताता है। जैसे आप अगर 15,000 का मोबाइल खरीद रहे हो तो वो आपको बता देगा 15,800, ऐसे प्राइस बताएगा। बाद में आपको जब बिल लेके आते हो तो बिल के आगे मोबाइल का भाव कुछ अलग लिखा हुआ रहता है, और फाइनल अमाउंट कितना लिखा होता है, 15,800, ऐसे ही होता है। अब अगर 15,800 मेरा फाइनल अमाउंट है, दैट इज इंक्लूसिव। अब अगर सपोज मैंने मोबाइल का प्राइस भी लिखा हुआ है 15,800, टोटल भी लिखा हुआ है 15,800, और लिख दिया इंक्लूसिव ऑफ वैट, वैलिड या डिफेक्टिव? 100% डिफेक्टिव है, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स आपको वैट का अमाउंट इनवॉइस में सेपरेटली शो करना पड़ेगा, तभी हम आपको क्या देंगे, आईटीसी का बेनिफिट देंगे। इसमें कोई डाउट? पक्का? मैंने ऐसी कोई परचेज करी है जो एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए यूज कर रहा हूं, तो अभी दो पॉइंट पहले पढ़ा था अपन ने, एग्जेम्प्टेड सेल्स करने पर आपको जो भी परचेज आपने उसका करा है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसका भी नहीं मिलेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? मैंने गुड्स खरीदे और वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए थे, हो सकता है? भैया मेरी मोबाइल की क्या दुकान है, मोबाइल की दुकान थी, आईफोन का 6s आया, अभी 6s आया तो मैंने खुद ही ले लिया, बेचने के लिए नहीं लिया है। 99% जितने भी मोबाइल मैं खरीदता हूँ वो किसके लिए मैं खरीदता हूँ, बेचने के लिए। बट ये 1% का जो मोबाइल था जो मैंने अपने लिए खरीदा, इसके ऊपर अगर मैंने वैट पे किया है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आगे बेचने के लिए नहीं लिया, ये मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए लिया है, तो इसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये अपन ने वेरिड पॉइंट्स पढ़े अलग अलग, जहां पर अपन ने किसकी बात करी, परचेजेस विच आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इसका आपको नोट्स में मैंने एक अलग से टेबल बना के दिया है। टेबल में मैंने क्या किया है, चार बड़े बड़े पॉइंट्स कर दिए हैं, सो दैट वो दिमाग में और क्लियर रहे। 9 पॉइंट याद करने से बेटर हमेशा ये होता है, 4 पॉइंट याद करो और उसके अंदर के पॉइंट्स याद करो। तो सबसे पहला, डीलर फ्रॉम होम परचेस्ड, अनरजिस्टर्ड डीलर लिखा है, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदोगे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट अपन ने छोड़ा है कॉम्पोजिशन स्कीम का, आगे पढ़ाऊंगा तो उसको यहां से वापस रिलेट करूंगा। इनवॉइस रिलेटेड, या इनवॉइस नहीं है या उस पर अलग से टैक्स का अमाउंट शो नहीं किया है, दिखा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड, पर्पस, एग्जेम्प्टेड सेल्स किए, एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए आपने परचेस किया, बताओ एलिजिबल होगा? नहीं। पर्सनल कंजम्पशन के लिए एलिजिबल होगा? नहीं। गिफ्ट्स के लिए एलिजिबल होगा? नहीं। परचेज फ्रॉम वेयर, इंपोर्ट किया एलिजिबल होगा? नहीं। इंटरस्टेट किया एलिजिबल होगा? नहीं। तो ये सब पॉइंट्स का अपन ने क्या किया, एक क्रक्स बनाया और उसको एक टेबल में पुट किया, सो दैट वो अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म तक याद रहे। एक बार फटाफट परचेज एलिजिबल और परचेज नॉट एलिजिबल, इन दोनों को फटाफट रीड करें। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने को देखना है, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैट। स्टॉक ट्रांसफर, अब ये स्टॉक ट्रांसफर क्या है इसको पहले ध्यान से समझना। रिलायंस फ्रेश नाम सुना हुआ है? रिलायंस फ्रेश का सिस्टम क्या है मैं तुमको पहले वो सिस्टम बताता हूं, सो दैट वो चीज और क्लियर हो। रिलायंस फ्रेश का जो सिस्टम चलता है वो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं मान रहा हूं इतना पढ़ा होगा। उसमें ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ये कौन सा चैप्टर हो गया, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल, वेरी गुड। मटेरियल वाले चैप्टर में आपने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े होंगे, एक तो ईओक्यू पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा रीऑर्डर लेवल, एक होता है डेंजर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, संधि विच्छेद करो, रीऑर्डर मतलब ऑर्डर, नॉर्मली हम करते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, रीऑर्डर कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर रेडी टू परचेज इट, उसको परचेज कितने किस पे करना चाहिए, ईओक्यू पे करना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट लगता है मटेरियल में। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम वापस कैडबरी सिल्क बेचेंगे। अब हम कैडबरी सिल्क कहां से बेच रहे हैं, रिलायंस फ्रेश से।
रिलायंस फ्रेश का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मिनिमम दो कैडबरी सिल्क पड़ी हुई होनी ही चाहिए आपकी स्टॉक में. कितनी? दो. उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पांच आ गई, मतलब पांच तक अगर आपके पास पड़ा है, सपोज अपन 50 का माल लेके बैठे हुए हैं, काय का कैडबरी सिल्क का, बेचते 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 हम उसको कितने पे ले आए? पांच पे. मतलब 50 जितनी भी थी हमारे पास, अब कितनी बची हुई है? पांच. तो उनके सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली मेल चले जाता है हेडक्वार्टर्स को, हेडक्वार्टर्स से ऑटोमेटिकली मेल चले जाता है कैडबरी को. अब कैडबरी को हम सीधा सीधा ये मेल पहुंचवा के कैडबरी सीधा सीधा हमारे आउटलेट पे क्या करता है, 15-20 जितनी भी हमने सिल्क का ऑर्डर किया है वो सीधा सीधा पहुंचा देता है. अब ये जब कैडबरी सिल्क हमारे यहां पर पहुंच रही है, कायदे से कैडबरी बिल किसको देगा? रिलायंस फ्रेश इंदौर वाले को या रिलायंस फ्रेश हेडक्वार्टर्स को? हेडक्वार्टर्स को. हेडक्वार्टर्स को अगर वो अपना बिल दे रहा है, हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में बॉम्बे में है और कैडबरी की फैक्ट्री भी कहां पे? महाराष्ट्र में. तो वो वहां पे क्या कलेक्ट कर रहे होंगे? वैट. अब क्वेश्चन ये है, हेडक्वार्टर्स ने अपने को जो रिलायंस फ्रेश इंदौर में माल दिया, ये हेडक्वार्टर्स ने अपने को बेचा या भेजा? दो अलग अलग चीज हो गई. बेचना मतलब सेल करना, भेजना मतलब ट्रांसफर करना. ठीक. तो यहां पर उसने क्या किया, सेल या ट्रांसफर? ट्रांसफर. वैट या सीएसटी का कॉन्सेप्ट कब लगता है? सेल या फिर ट्रांसफर? सेल. मतलब महाराष्ट्र से माल आ गया कहां पर? इंदौर में, एमपी में, बट वहां पर अभी भी सेल नहीं हुआ. क्या हुआ है? ट्रांसफर. और यहां पर सेल होगा. अब यहां पर जब सेल होगा तो वो कलेक्ट क्या करेगा? एमपी वैट. बट इसी प्रोडक्ट के ऊपर अपन ने क्या पे किया हुआ है? महाराष्ट्र वैट. अब आप तो बोलोगे सर है तो वैट, ये भी वैट, कर दो माइनस. किसको गुस्सा आएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गुस्सा नहीं आएगा, एमपी गवर्नमेंट को आएगा, क्योंकि एमपी ने सपोज इसके ऊपर 3,000 रुपए वैट कलेक्ट किया है, महाराष्ट्र में अपन ने 2,500 रुपए का वैट पे किया हुआ है. अब एमपी गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 500. जबकि एमपी गवर्नमेंट का हक कितना था, उसको मिलेगा कितना? दंगे हो जाएंगे एमपी महाराष्ट्र में. आ रही बात समझ में? अगर ऐसा कुछ हो ना, दंगे ही हो जाएंगे. अब अगर ऐसे हम दंगे करवाना चाह रहे हैं क्या? डिपेंड करता है, हम नहीं चाह रहे. अब अगर हम नहीं चाह रहे तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा. इन्होंने बोला चलो हम ये वाला सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं. सपोज ये वाला जो क्रेडिट था वो कितने परसेंट पे था? 10% पे. 10% पे आपका क्रेडिट कितना बन रहा था? 2,500. हम क्रेडिट देने को तैयार है, बट ये क्रेडिट का अमाउंट हम कितने परसेंट से कम कर देंगे? 2% से कम कर देंगे. आपको 10% की जगह कितना क्रेडिट मिलेगा? 8% में. जब आप क्या कर रहे हो? स्टॉक ट्रांसफर. मतलब अगर आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है? यस. क्या पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है? नो. कितना अवेलेबल है? जितना उसका रेट था माइनस 2%. अब कायदे से ये 2% किस चीज के लिए कटा? अगेन झगड़ा किसके बीच में होता? एमपी और महाराष्ट्र. दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कौन आएगा बीच में? पापा. पापा कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कौन सा टैक्स ले रहा था? सीएसटी. सीएसटी का रेट कितना था? 2%. तो हमने घटाया भी कितना? 2%. मतलब स्टॉक ट्रांसफर के केस में भी क्या आपको क्रेडिट एलिजिबल है? यस. क्या पूरा क्रेडिट एलिजिबल है? नो. व्हाई नो? बिकॉज यहां पर स्टेट क्या हो रहे, अलग अलग है. कितना क्रेडिट एलिजिबल है? जितना क्रेडिट मिल रहा था उसमें से आप कितना परसेंट माइनस कर दो? 2%. मतलब 5% का क्रेडिट था तो कितना क्रेडिट मिलेगा? 3%. 6% का क्रेडिट था कितना मिलेगा? 4%. 7% का था कितना मिलेगा? 5%. 10% का था? 8%. 12% का था? 10%. 12.5% का था? 10.5%. 13% का था? 11%. 2% का था? 0. क्रेडिट नहीं मिलेगा. आ रही बात समझ में? 4% का था? 2% का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि 2% उसमें से घटेंगे. क्लियर?
हाँ, जिस रेट पर अपन ने ये वाला अमाउंट पे किया है, सपोज वो रेट कितना है, 10%, 10% में से कितना कटेगा, 2%, तो बचा कितना, 8% का क्रेडिट हम आपको एलिजिबल करेंगे, 10% का पूरा क्रेडिट एलिजिबल नहीं कर सकते। या प्रैक्टिकल नोट्स में बिठा जाओ, स्टॉक ट्रांसफर का टॉपिक लेके आओ, निकालो स्टॉक ट्रांसफर। क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय अ डीलर फ्रॉम वन स्टेट टू इट्स ब्रांच इन अनादर स्टेट इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। दिस ट्रांसफर इज नॉट अ सेल एंड एज सच इज नॉट लायबल फॉर वैट। हाउएवर द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड गुड्स विच आर स्टॉक ट्रांसफर्ड, purchases of goods which are stock transferred is available as input tax credit only to the extent it exceeds the rate of 2%। मतलब 2% से ज्यादा जितना भी होगा हम उसको एलिजिबल करेंगे। यहाँ पर 2% से ज्यादा कितना था, 8%, हमने उसको एलिजिबल किया। नीचे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, परचेज प्राइस 100 रुपए, टैक्स पेड 12.5%, टोटल 112.5, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट और यहाँ पे आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम इनपुट टैक्स रिबेट भी बोलते हैं, तो ITR हो गया वो, दैट इज 12.5%। केस ए, गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट सेल्स, तो ITR अलाउड होता है क्या, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड अलाउड, CST कलेक्टेड माइनस वैट पेड अलाउड, यस, तो उसमें अपने को 12.5% एलिजिबल हो जाएगा। केस बी, गुड्स आर ब्रांच ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट, तो 12.5 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 10.5 मिलेगा, 2% का आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में, पक्का, आगे चलें। तो ये काय का कॉन्सेप्ट था, स्टॉक ट्रांसफर का था, क्लियर, पक्का, चलो आज इसको इधर तक ही रखते हैं। अच्छा, जितने लोगों को आज वैट कंप्लीट करने का है दे कैन सिट, रेस्ट कैन गो। उसमें से थ्योरी पोर्शन ही बचा है, प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा, प्रैक्टिकल पोर्शन बचा है, थ्योरी पोर्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट संडे आई विल बी टेकिंग 2 आवर्स फॉर वैट, नेक्स्ट संडे मैं एज इट इज लूंगा। जितने लोग प्रोफेशनल के और घर कितने लोग जा रहे हैं इस हफ्ते में, तू कौन से घर जा रहा है भाई, तू तो इंदौर का ही है ना, कहाँ गए, भोपाल गए, तो बेटा इस हफ्ते मत जाना, भोपाल की तो बराबर चार्टर्ड बस है यार, बेटर इंडिया में, इंदौर में। जिन लोगों को अभी आज कंप्लीट करने का है, थोड़ा सा